खबर देवरिया जनपद से, जहां पुलिस लाइन की प्रेक्षागृह में जिले के व्यापारियों के हितों को लेकर एक बैठक जनपद देवरिया के एडिशनल एसपी राहुल कुमार और यश त्रिपाठी नेतृत्व में सुनिश्चित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल्ल, जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शक्ति गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम अग्रवाल, जिला संगठन मंत्री शिवाकांत तिवारी, सोनी वर्मा, वासुदेव वर्मा, नवीन संजय पांडे आदि प्रमुख लोगों के नेतृत्व में व्यापारी समाज के सभी मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री ने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में व्यापारियों हितों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई तथा कई प्रमुख मुद्दे इस बैठक में एडिशनल एसपी राकेश कुमार को संज्ञान में दिया गया है, जिसमें सलेमपुर के गांधी चौक से लेकर रेलवे तहसील ब्लॉक और स्वास्थ्य विभाग तक जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर सब्जी व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने व उनको सब्जी मंडी के अंदर व्यवसाय करने को लेकर तथा देवरिया के कई प्रमुख सड़कों के निर्माण तथा आवागमन को लेकर चर्चा की गई। अभी मुद्दों को एडिशनल एसपी राजेश कुमार क्षेत्राधिकारी देवरिया यश त्रिपाठी ने निराकरण कराने की बात कही। एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारी हितों की सुरक्षा को लेकर हमेशा अग्रसर तथा उनके हित की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर हम सदैव संकल्पित हैं। जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शक्ति गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। इसी प्रकार व्यापारी सुरक्षा को लेकर बैठकों का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे व्यापारी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। तहसील और ब्लॉक स्तर पर पुलिस चौकी का निर्माण अति आवश्यक है, इसके लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग करना चाहिए। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराकर निराकरण की मांग की है। मान लीजिए 3 बीच 4 बीच की प्रोसीडिंग अगर आ रही है तो बाइक पर पूरे जिले के जितने हिस्सों हैं यहाँ से संबंधित कार्यालय हैं उनका मोबाइल नंबर चल रहा है, लेकिन उसमें दो कारण बने। एक कारण तो जो सीओजी है उन्होंने एक बार दीजिए, दूसरा कारण वहाँ जो पर्सनल उनका मोबाइल हो वो एक बार दर्ज हो जाए। कारण ये कि बीएसएनएल के सारे टेलीफोन बीएसएनएल का ही सीओजी है वो पूरे जिले में मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत जाती है, आया करना पड़ता है तो माथुरी तब तक कट गया, ये सब दिक्कत जाती है। तो हम चाहते हैं कि परसों वहाँ भी रहेगा तो मिला के बात हो जाएगी और सबके पास जानकारी रहेगी, आपको सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे, इसमें कोई व्यय नहीं है, तो यह सुनिश्चित करा लिया जाए। और अगर कोई तारीख भर सक ठीक हो जाए तो सूचना नहीं देनी पड़ेगी। जैसे व्यापार मंदिर सिंचाई मंदिर तरह तरह की बैठके हैं, आप देख लीजिए अगर कार्य की अर्थव्यवस्था है तो फिर अपने सुविधा अनुसार तय करिए, और आपने पहले सूचना करा दी तो जानकारी हो गई, जो अधिक संख्या में आए हैं तो 3 दिन पहले अगर जानकारी हो जाए करें, अखबारों में कुछ निकले हमें लगता सूचना विभाग से भी आए हैं तो सूचना विभाग में भी एक विकल्प चली जाए। अगर आपको 3 दिन बाद बैठक कराना है तो उसमें सूचना चली जाए कि बैठक ये पुलिस लाइन के सभागार में इतने बजे होगी, तो आपकी जो काम कर रहे हैं शासन के आदेश पर आपकी ख्यात भी बढ़ेगी और व्यापारी को सुविधा भी बढ़ेगी, और फिर ये बैठक कोई इसका भी समाचार